वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैनाल पटवारी टेस्ट प्रिपरेशन 2023। व्यूअर्स, कैनाल पटवारी का टेस्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से पास हो जाए, इसलिए एक सीरीज शुरू की है कि पीपीएससी के पास पेपर्स क्वेश्चन जो 2022 और 2023 के टेस्टों में आ चुके हैं, रोजाना एक पास्ट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। तकरीबन 50 से 60 पेपर्स हैं 2022 और 2023 के, अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका पटवारी का टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। अगर पिछले पेपर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं पेपर नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन, माय फादर वाज सो पुअर डैश, तो इसका राइट आंसर बनेगा दैट ही कैन नॉट बाय फूड फॉर अस, यानी मेरा बाप इतना गरीब था कि वो हमारे लिए खुराक नहीं खरीद सकता था। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 पे, हुज बर्थ ईयर इज 150 AH व्हेन इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु डाइड, यानी कौन पैदा हुआ था 150 हिजरी में जब इमाम अबू हनीफा ने वफात पाई, तो वो शख्सियत थी इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए थे 150 हिजरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे, पाकिस्तान नीड्स हाउ मैनी वोट्स फ्राम FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्राम ग्रे लिस्ट, यानी पाकिस्तान को कितने मेंबर्स की जरूरत थी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, तो 12 यानी 12 मेंबर्स की जरूरत थी। यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ, FATF की फुल फॉर्म है फंक्शनल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म के को की मनी को की को रोकने के लिए, ये मतलब एक अदारा काम करता है FATF। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉटर ऑफ द ईस्ट इज रिटन बाय, यानी डॉटर ऑफ द ईस्ट एक बुक है, ये किसने लिखी है, तो लिखी है बेनजीर भुट्टो ने। तो यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि बेनजीर भुट्टो पैदा हुई थी 21 जून 1953 को पैदा हुई थी, 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई थी, और बेनजीर भुट्टो ने वफात पाई 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार बैटरी यूज डैश दैट रिएक्ट्स विद लीड्स प्लेट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका राइट आंसर बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 पे, पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ, यानी पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो किस पर बेस करती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ऑफ दीज, लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो इस्लाम पर बेस करती है। तो नंबर 11 पे क्वेश्चन है, द हदीस कंपेरिजन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनेगा कुदसी, द हदीस कंपेरिजन इज वर्ड्स ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड कुदसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 पे, इन पाकिस्तान टर्म छांगा मांगा पॉलिटिक्स इज यूज्ड फॉर, तो इसका राइट आंसर है हॉर्स ट्रेडिंग, यानी जो छांगा मांगा पॉलिटिक्स मतलब सियासतदान यूज करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। तो नंबर 13 पे क्वेश्चन है, रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रूलर, यानी जो रोहतास फोर्ट थी ये किस हुक्मरान के मतलब के द्वारा बनाई गई थी, तो वो हुक्मरान थे शेर शाह सूरी मतलब के बड़े सगीर के बहुत बड़े हुक्मरान थे। इन्होंने हुकूमत की थी 1540 से लाकर 1545 तक, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1540 से लाकर 1545 तक इन्होंने हुकूमत की थी शेरशाह सूरी ने बड़े सगीर पर यानी सब कॉन्टिनेंट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 पे, स्नो केप्ड माउंटेन्स आर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, तो इसका राइट आंसर है प्लूटो। नंबर 15 पे क्वेश्चन है, WWW स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे, मेट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ, तो मेट्रोलॉजी जो स्टडी है वो किसकी है, वो है स्टडी ऑफ वेट, मेट्रोलॉजी स्टडी है स्टडी ऑफ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, बुरान पास इज लोकेटेड इन द रेंज ऑफ, तो बुरान पास कहाँ पे वाक़ है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखो नॉन ऑफ दीज, तो आप लोगों को बता देता हूँ काकड़ KAKR काकड़ रेंज में वाक़ है बुरान पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज द रीजन ऑफ राइटली गाइडेड खलीफा प्रोलोगड, मतलब के जो यहाँ पे मतलब हमें यह बताना है कि वो कितने साल मतलब के जो राइटली मतलब के गाइडेड खलीफा ने मतलब हुकूमत की थी, तो वो 30 वर्ष बनती है, यानी मतलब के खलीफा राशिदीन की यहाँ पे बात हो रही है, तो खलीफा राशिदीन में आते हैं हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये चार मतलब के खलीफा इनको खलीफा राशिदीन कहते हैं। इन्होंने 30 साल हुकूमत की थी, फुल ज़बरदस्त परफेक्ट हुकूमत की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट
translates one program instructions at a time into machine language is called, तो इसका राइट आंसर है कंपाइलर, मतलब जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है ट्रांसलेट करता है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, तो वो कौन करता है, वो कंपाइलर करता है। यानी जो कंप्यूटर का प्रोग्राम और जो मशीन लैंग्वेज होती है इसमें फर्क होता है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो जीरो और वन पर काम करती है, तो इसमें वो ट्रांसलेट करके मतलब एक ये सिस्टम चलता है। तो कंपाइलर ये काम करता है, मतलब ये जो इसको कन्वर्ट करता है वो कंपाइलर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिमाग, मतलब है कि ये सिस्टम का दिमाग भी इसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पे, विच वन इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसका राइट आंसर है आईलेट, जो मतलब है कि वेस्टिजियल जो ऑर्गन है इंसान में वो है आईलेट। तो 23 पे क्वेश्चन है टीपू सुल्तान इम्ब्रेस्ड माइट्रेडम, तो मतलब है कि टीपू सुल्तान ने कब मतलब है कि शहादत पाई थी, तो 1799 यानी 1799 में टीपू सुल्तान ने शहादत पाई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के खिलाफ चार जंगें हुई थी और चौथी जंग में उन्होंने वफात पाई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को जंगें के बारे में बता देता हूँ, जो पहली जंग हुई थी दोनों मतलब कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के खिलाफ ही जंगें हुई थी मैसूर के मकाम पर, मतलब कि जो टीपू सुल्तान थे ये मैसूर का इलाका है, बड़े सगीर में मैसूर का इलाका था, उसमें मतलब है कि ये सुल्तान थे मैसूर के इलाके के। तो पहली जंग हुई थी 1767 से लाकर 1769 तक, और दूसरी जंग हुई थी 1780 से 1784 तक, और तीसरी जंग हुई थी 1790 से 1792 तक, और चौथी जंग हुई थी 1798 से 1799 तक। तो ये चार जंगें थी और चौथी जंग में मतलब टीपू सुल्तान मतलब कि शहीद हो गए थे, और ये सारी जंगें टीपू सुल्तान का जो वालिद था हैदर अली और टीपू सुल्तान और इनके जो मुखालिफ थे वो थे अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों को और भी मुस्लिम रियासतें भी उस वक्त मतलब कि उनका साथ दे रही थी। तो टीपू सुल्तान के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि हज़ार साल की गिदड़ की ज़िंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की ज़िंदगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नेम्ड एज ट्रांस हिमालया, तो वो रेंज है कराक्रम। 25 पे क्वेश्चन है He has been suffering from fever - the last 3 days. तो इसमें आएगा for, यहाँ जहाँ पे suffering from fever होगा इसके साथ fixed preposition है for. He has been suffering from fever for the last 3 days. Next question है 30 number पे, currency of China is, तो China की currency क्या है, तो China की currency है yuan. YUAN yuan या रिन मिम्बी, मतलब कि यान आप लोगों को ना मिले तो जहाँ पे रिन मिम्बी मिले तो वो भी चाइना की करेंसी ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 पे, इन विच कंट्री इज स्टोनहेंज, तो कौन सी कंट्री जो है वो स्टोनहेंज है, वो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर इंफॉर्मेशन कहलाता है, आउटपुट गिवन बाय ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 पे, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट बिगन विद द इन्वेजन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने शुरू करवाए थे हमले। तो 37 पे क्वेश्चन है वेयर इज टावर ब्रिज लोकेटेड, तो टावर ब्रिज कहाँ पे वाक़ है, ये लंदन यानी यूके यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 पे, चूज द एंटोनियम ऑफ रात, तो रात का एंटोनियम क्या है, तो रात का एंटोनियम है डिलाइट, रात का मतलब होता हैज़ और डिलाइट का मतलब होता है पसंद आना। तो 39 पे क्वेश्चन है मोहम्मद अली सतपारा वाज ए, तो मोहम्मद अली सतपारा थे एक माउंटेनर थे, मोहम्मद अली सतपारा वाज ए माउंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे, ए पर्सन हाउ कैन नीदर रीड आर राइट, मतलब है कि वो पर्सन को क्या कहते हैं जो ना पढ़ सकता हो और ना लिख सकता हो, तो उस पर्सन को कहते हैं इलिटरेट यानी जाहिल अनपढ़। 41 पे क्वेश्चन है नेम द उम्मुल मोमिनीन हाउ नरेटेड मैक्सिमम हदीस, तो उस उम्मुल मोमिनीन का नाम बताना है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब हदीस लिखी हैं या रवायत की हैं, तो उनका नाम है हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 पे, विच एनिमल वाज रिजाइडिंग विद द असहाबुल कैफ, तो असहाबुल कैफ के साथ कौन सा जानवर था, तो उस जानवर का नाम है डॉग यानी कुत्ता। तो 43 पे क्वेश्चन है
ऑपरेशन रद्दुल फसाद मीन्स मतलब है रद्दुल फसाद मीन्स इसका क्या मतलब है रद्दुल फसाद का, इसका मतलब है एलिमिनेशन ऑफ डिस्कॉर्ड, एलिमिनेशन ऑफ डिस्कॉर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पे, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड मून, यानी जो स्टारों की स्टडी है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कहलाती है स्टारों की स्टडी। तो 45 पे क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ ए यूजर टू सेट पेज नंबर एंड स्पेल चेक ऑफ डॉक्यूमेंट इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसर, यानी ये जितने भी वो काम कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ मतलब यूजर को करती है पेज नंबर, मतलब एक पेज नंबर भी लगा सकता है और स्पेलिंग भी चेक कर सकता है, तो ये किस में, ये वर्ड प्रोसेसर यानी एम एस वर्ड की बात कर रहे हैं, तो एम एस वर्ड का दूसरा नाम, इसको वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं, एम एस वर्ड भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बनेगा वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पे, यूरोपियन यूनियन कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, तो यूरोपीय यूनियन में कितने मेंबर हैं, तो यूरोपीय यूनियन में 27 यानी 27 मेंबर हैं। यूरोपीय यूनियन मतलब कहते हैं जो बरआज़म यूरोप है उसकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने मतलब एक यूनियन बनाई हुई है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड ए सीज फायर लाइन इन कश्मीर, मतलब है कि इस सवाल में हमें यह बताना है कि सीज जो सीज फायर लाइन कब बनी थी या किस एग्रीमेंट के तहत, तो वो एग्रीमेंट था कराची एग्रीमेंट के तहत बनी थी और कब बनी थी, 28 अप्रैल 1949 को, मतलब है कि कराची एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन मतलब है कि लगाई गई थी, तो बाद में सीज फायर लाइन को नाम तब्दील करके LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया था, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पे, वेयर इज बाथशीबा बीच, तो बाथशीबा बीच कहाँ पे वाक़ है, ये बारबाडोस में वाक़ है। तो 49 पे क्वेश्चन है, द नेम ऑफ तुर्किश करेंसी, तो तुर्की की करेंसी क्या है, तो तुर्की की करेंसी करेंसी है लीरा। तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा, तुर्की का कैपिटल है अंकारा और तुर्की की जो करेंसी है वो है लीरा, और जो टका है ये अफगानिस्तान की करेंसी है, ये सॉरी ये बांग्लादेश की करेंसी है, टका बांग्लादेश की करेंसी है और बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, और जो रियाल है ये ईरान की करेंसी है और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनकी रियाल करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हाउ हैज अनयूजुअल हैबिट्स इज कॉल्ड, यानी वो पर्सन जिसकी आदतें अच्छी ना हो, अनोखी अजीब हों, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है मरकज से फिरा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पे, हाउ सैड All history is the history of class struggle, तो किसने कहा कि all history is the history of class struggle, तो उसका नाम है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने 1916 में कहा था। तो 55 पे क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान एनुअली शुगर कंसप्शन पर कैपिटा इज एस्टिमेटेड एज, तो इसका राइट आंसर है 25 kg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पे, बिफोर इस्लाम फ्राइडे वाज कॉल्ड, तो इस्लाम से पहले फ्राइडे का क्या नाम था, तो फ्राइडे का नाम था योमिल अरूबा, योमिल अरूबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5th जून इज इन द यूएन कैलेंडर ऑफ द ईयर, मतलब है कि यूएन कैलेंडर के मुताबिक 5 जून को मतलब है कि कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है अकॉर्डिंग यूएनओ 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम, तो इसका राइट आंसर है 1967 यानी 1967, इसराइल ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर पे, डैश इज कंसिडर्ड द इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के मतलब जो इंजीनियरिंग हब है वो कौन सा शहर मतलब कंसिडर किया जाता है, तो वो है शहर है लाहौर, तो लाहौर को कालजों का शहर भी कहते हैं। तो 61 पे क्वेश्चन है, डिफेंस डे इज ऑब्जर्वड, यानी जो डिफेंस डे है पाकिस्तान में वो किस तरीके को मनाया जाता है, तो वो 6 सितंबर, हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है डिफेंस डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 पे, मिलिट्री कोर्स हैड बीन एस्टेब्लिश्ड टू डील विद द कॉजेज रिलेटेड टू टेररिज्म अंडर डैश अमेंडमेंट, तो इसका राइट आंसर 21। जो मिलिट्री कोर्स मतलब है कि बनाई गई है तो उसका जो मतलब एक अमेंडमेंट पूछ रहे हैं तो वो है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पे, चाइना साइंड ए 25-year स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट SCP पैक्ट, मतलब है कि किसके साथ है, वो ईरान के साथ है,
स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट साइन किया गया है 25 साल का, वो किस कंट्री के साथ है, चाइना का, वो ईरान के साथ है चाइना का, 25 साल का मतलब है कि ये वायदा तय पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 पे, द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉमन इज स्मोकर इज, तो इसका राइट आंसर है एम्फिजीमा, एम्फिजीमा जो मतलब है कि कॉमन मतलब प्रॉब्लम है स्मोकिंग की वजह से, तो वह एम्फिजीमा यानी जिस्म का फूल जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 पे, लाइट टेक्स अबाउट डैश टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन, मतलब है कि जो कितने मिनट में अर्थ पर मतलब है कि सूरज की लाइट आती है सुबह सुबह, तो वो 8.3 मिनट पर पहुंचती है सूरज से जमीन पर, 8.3 मिनट्स में पहुंचती है सूरज की लाइट जमीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 पर, एट द टाइम व्हेन खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड इन 1920 द ब्रिटिश पीएम वाज, तो उस पीएम का नाम है लॉर्ड जॉर्ज 1920 में, मतलब है कि उस वक्त दूसरा वो ब्रिटिश मतलब के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर थे जब उनसन मतलब खिलाफत का आगाज हुआ था। तो 68 पे क्वेश्चन है, ग्लास मींस मतलब ग्लास का क्या मतलब है, तो ग्लास का मतलब ब्राइटनेस, मतलब ग्लास का मतलब भी यही होता है चमक, चमकीली चीज, चमक धमक, तो ब्राइटनेस का मतलब भी यही है, तो यहाँ पे हमें ग्लास का मीन बताया, तो ग्लास का मीन है ब्राइटनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 पे, व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश, तो ईस्ट पाकिस्तान कब बांग्लादेश बना, तो दिसंबर 1971 यानी दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया था। तो 70 नंबर पे क्वेश्चन है, कुनार रिवर इज आल्सो कॉल्ड डैश रिवर इन पाकिस्तान, तो जो कुनार रिवर है उस वो क्या कहलाता है, तो वो चित्राल रिवर भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 पे, कैपिटल ऑफ लिबनान, तो लिबनान का कैपिटल है वो है बैरूत, लिबनान का कैपिटल है बैरूत। 72 नंबर पे क्वेश्चन है, डैश डिवेल्प द आइडिया फॉर द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन विच बिकम्स द बेसिस फॉर द फर्स्ट कंप्यूटर, तो किसने मतलब एक आइडिया दिया था यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का, तो उसका नाम था आलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द टाइम ऑफ खिलाफत ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तो मतलब इस सवाल में हमें यह बताना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने अरसा मतलब खिलाफत की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नान ऑफ दीज, तो ऑलमोस्ट 5 ईयर यानी 4 साल 5-6 मंथ मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुकूमत की थी, खिलाफत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनवेल्ड, यानी जो मतलब कि बांग्लादेश दूसरा जो बंगाल को पहले मतलब एक अलग किया गया था 1905 में अलग किया गया था और 1911 में दोबारा फिर जोड़ दिया था, यहाँ पे ये पूछना है कि दोबारा कब जोड़ा था 1911 में, तो अलहदा कब किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.14 × 10 की पावर 6 इज इक्वल, मतलब 3.14 × 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, तो ये कहलाता है 31,40,000, ये इक्वल है, ये इक्वल 3.14 × 10 की ताकत 6, ये इक्वल है 31,40,000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेनेट कम इनटू बीइंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है 1973 का आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब के साइन हुआ है, तो उसका पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम है सी पैक और ये 2015 में साइन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एटमोसफेयर इफ द टेम्परेचर इज लो देन द प्रेशर इज हाई, मतलब है कि जो एटमोसफेयर का मतलब है फजा में जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है और प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 नंबर पे क्वेश्चन है, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, मतलब जो लंदन है ये किस बैंक मतलब किस दरिया के किनारे पर वाक़ है, तो ये थॉमस थॉमस के जो दरिया है थॉमस उस दरिया पर वाक़ है। तो 91 नंबर पे क्वेश्चन है, अल फरूक का मुसन्नफ कौन है, तो अल फरूक का मुसन्नफ है शिबली नोमानी, अल फरूक का मुसन्नफ है शिबली नोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 92 पे, तफल मकतब उर्दू की मारूफ तरकीब है, इसका मफहूम है, इसका मुफ है कैलेंडर बचा कहाँ। तो 93 पे क्वेश्चन है, शेर में किसी शख्स मकाम या वाकई की तरफ इशारा
क्या कहलाता है? तो वो तलमीह कहलाता है। शेर में किसी शख्स मकाम या वाकई की तरफ इशारा क्या कहलाता है? तलमीह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलामा इकबाल अपने आप को जिस हस्ती का मौनवी शागिर्द कहने में फ़ख्र महसूस करते थे उनका इसम ग्रामी है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, लेकिन अगर नाम उन्होंने लिखा हुआ है मौलाना रोम, उनका नाम था मौलाना रोम, जिसको मतलब है कि देखकर मतलब एक याद करके फ़ख्र महसूस करते थे, उसका नाम है मौलाना रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल नीमो वहशी सनफ शायरी है, ये किसका कौल है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, कलीमुद्दीन अहमद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शायरी के अलावा मिर्ज़ा गालिब ने किस सनफ नसर में नाम पैदा किया? तो वो खतूत, मतलब मिर्ज़ा गालिब खतूत भी लिखते थे और सनफ नसर में भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। तो 97 पे क्वेश्चन है, मौलाना मोहम्मद जौहर का मतलब कहाँ पे दफन है? तो वो फ़लस्तीन में मदफून है, मौलाना मोहम्मद जौहर मदफून है फ़लस्तीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावरा किस शायर का पहला मजमूआ है? तो मावरा नून मीम राशिद का पहला मजमूआ है, मावरा किसका मजमूआ है? नून मीम राशिद का। तो 99 पे क्वेश्चन है, मुसव्वर गाम किसे कहते हैं? तो मुसव्वर गाम कहा जाता है राशिदुल खैरी को, राशिदुल खैरी को मुसव्वर गाम की भी कहते हैं। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, रिसाला तहजीब अखलाक किस रिसाले के तर्ज पर था? तो इसका नाम है स्पेक्टेटर टिटलर, तो मतलब है कि ये आप लोगों को याद कर लेना। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।